दोस्तों ही मानू जा रही है और सुबह के 4 बजे हैं और इसको 4 बजे पटक के आना पड़ रहा है मुझे। अरे मेरी जान, मेरी लाल दोनों। ईना मीना कौन ही कहते, मुझे भी खोलो। ईना मीना आज मैं बच्चा भाई, कूलर इतना ठंडा कर दिया ना, मतलब पूरा मस्त ठंडा हुआ माहौल। चलो बाहर आओ बाहर आओ, मेरे को इंटरव्यू शूट करना है। चलो मेरे बच्चे, चलो 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 चलो। अरे खुशी को अभी अभी अंदर बाहर करे मैंने। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट सुचित पाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। हां हां खुशी, ओ क्या ठहले क्या ठहले। ये देखो भाई, ये शानदार दिन है शानदार डॉग्स के साथ। अरे मेरे डॉग्स नहीं, मेरे बच्चे हैं। आजा खुशी, आजा। अरे मेरी बच्ची, आजा मेरी जान। सो दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, बाकी ये व्लॉग की शुरुआत ऐसे है। दिन तो अभी ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं, लाइट जाने वाली है, 1 घंटे का कट होता है तो कूलर बंद होएगा, तो इस टाइम मैं इनको बाहर कर देता हूँ। इसी वजह से यहाँ कूलर, ये पंखा लगवाया हुआ है। और देख लो आप, हमारे खुद के रूम के लिए एक छोटा सा कूलर है, बट जो हमारे डॉग्स हैं उनके लिए पूरा बड़ा कूलर लगा हुआ भाई। सो अंदर पूरा ठंड वाला माहौल होया हुआ है। अभी कोनी को भी बाहर भी लेके आऊंगा मैं, बट पहले ये एक बार खेल ले। खुशी नो, तेरे को पता क्यों नहीं खोलता मैं? तुझे पता है क्यों नहीं खोलता? ये सारी घास खराब कर देती है। एक बार एक घास पूरी हो जाएगी ना, जैसे वो ही हुई है, उसके बाद खुशी को भी खोलता करूंगा मैं। और देख लो, ये देख लो देख लो देख लो। चलो तुम अंदर चलो चलो। अरे चलो मेरी लाल। और भाई अभी इना मीना जो है ना, ये अभी 2 महीने की पूरी ऑलमोस्ट हो गई है, 1-2 दिन ऊपर नीचे रह रहे हैं, मैं चेक करके बताऊंगा। तो ये 2 महीने के बच्चे हो गए हमारे ये, और टच वुड ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है इनकी। हाँ ये देखो देखो ये देखो, ये मिलने के लिए कह रही थी, ये देखो। अरे 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 अरे। और दोस्तों एक और खुशी की बात, जो थोर वाले पपीज है ना, उनकी आज डिवॉर्मिंग होगी और कल वैक्सीन लग जाएगी पहली। सो उसके बाद क्या, एक खुशखबरी क्या है कि वो भी इस पार्क में खेला करेंगे, और इन सबके साथ छोड़ दिया करूंगा फिर मैं। ये दोनों उसकी बड़ी, इनकी बड़ी बहन बनेगी। ओ लो भाई सुसु कर दिया, ये यूं बढ़िया है। चलो चलो चलो, तुम खेल लो, थोड़ी इधर खेल लो, और मैं थोर के बच्चों से भी मिलाता हूँ आप लोगों को। ये रूम तो अपने सारे डॉग हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो इस रूम में है, ठीक है। सो किसी को भी डॉग हॉस्टल के लिए इंक्वायरी करनी है, जो भी सीन है वो सारा इस रूम में है। बाकी एक थोड़े दिनों में बस थोड़े, बिल्कुल पेडोवेस्टी के ऑफिशियल चैनल पे सारे प्लान्स आ जाएंगे आगे कि क्या चाहती। देखो बंद हो गया ना कूलर। सो 4 बज गए, 4 से 5 का कट लगता है। तो बट टेंशन मत लेना, ये वाली चीजें सारी हमने इन्वर्टर पे करी हुई है, यहाँ तक कि अगर हम चाहे तो उसको भी इन्वर्टर पे चला सकते हैं अगर ज्यादा लंबा कट पड़ गया तो। बट ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम कोई इशू नहीं है, बाहर ठंडा हो जाता है। और पपीज अवेलेबल का मतलब भाई, तुम्हें वापस बता देता हूँ, पपीज हम वही देंगे जो हमारे यहाँ पे, जो फार्म पे हमारे पास अवेलेबल होंगे। और पपीज नहीं दे रहे हम कहीं से भी लेके या कुछ भी ऐसे नहीं कर रहे। सो इसलिए मेन कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। शो के तौर पे बात ये है कि एक जगह ऐसी बन गई है जहाँ पे मैं मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, सारी ब्रीड्स लागे रख सकता हूँ, ठीक है। और उनमें भाई इनकी नीड भी होती है, और भाई हमें भी पता चले कि हमारे बच्चे आगे क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या प्रोजेनी बढ़ा रहे हैं। सो भाई इसलिए हम कोनी और थोर के जैसे बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं खुद के लिए भी रखूंगा बच्चे, ठीक है। और अब एग्जोटिक टैंक का जो सिस्टम था, एग्जोटिक एक्वेरियम, ये भी भाई हमने एक प्रोटोटाइप तैयार कर दिया है। सो एक्वेरियम का क्या सीन होगा, एक्वेरियम सारे ना मैं यहाँ तैयार करूंगा मेरे खुद के लिए, और उनमें से जो उनसे आपको पसंद आता है वो चीज हम आपके लिए तैयार कर देंगे। सो ये सीन होगा। और आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये जो चौथा पॉइंट और ऐड होने वाला है इसमें, डॉग ट्रेनिंग। सो उसके बारे में भी आपको ना पेडोस्टी के चैनल पे पता चल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में पता चल जाएगा। और ये देखो, इस रूम में एंटर होने से पहले अपनी ये चप्पल उतार के दूसरी चप्पल पहन लो, क्योंकि यार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अरे ये रे मेरे दोनों शेर, अरे मेरी बच्चों, अरे शेरू। ये देखो भाई, ये देखो, आज 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 भाई कल पता क्या हुआ, इसमें से एक बच्चा खोल के, ये वाला जो खड़ा है ना, ये वाला बच्चा गेट खोल के बाहर बैठा है यार, और वो अंदर से देख रहा है कि ये बाहर कैसे चला गया। बस एक लोग फंस गया बेचारा। आइए देख, तेज है ये वाला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ फंसा हुआ है, ए ले मेरी बेटी, आ जा 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 आ जा।
आज आज इनकी डिवॉर्मिंग हो जाएगी। हाँ देखियो देखियो, इन्हें क्या नाम रखे बताओ, क्या नाम रखे दोनों? शुरू शुरू में पता है क्या था, ये वाला थोड़ा सा भारी था, बट अब क्या हो गया है कि ये दोनों बराबर हो गए भाई। और इनका बोन साइज दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर ये रुकेंगे तो ही दिखा पाऊंगा। नहीं चप्पल नहीं उठानी, इधर आ जाओ, देखो देखिए देखिए देखिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए ओए तो कहाँ से गुजर यार, मजा आ गया सोच के। देखो मेरा थोरी डेढ़ साल पहले मेरा थोरी इतना सा था, आज मैं उसके बच्चे इतने से है जो हाथ में उठा रहा हूँ यार। हाँ तेरा बाप को भी मैं ऐसे ही उठाता था आज मैं। आजा तू भी आजा 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 आजा। ये देखो भाई, इसको देखो, इसका इसके देखो बोन साइज भी अच्छा है, और इसका देखो स्टॉप भी बहुत सुंदर है इस बच्चे का। ये देखो, देख पा रहे हो तो, पता नहीं मुझे कैमरे में क्या दिख रहा होगा, बट बहुत सुंदर बच्चा है ये देखो। जो ये वाला बच्चा है ना, जो ये इसका जो फेस है वो थोड़ा ब्लैक मास्क वाला है जो थोर के फादर का था है मतलब की, और ये वाला बच्चा ये प्रॉपर थोर के फेस जैसा बच्चा है। ये इस साइड से दिखाता हूँ, जान छोटू बच्चू। अच्छा तेरे को दिखाता हूँ थोड़ा भाई, एक कल्ला जना हूँ तो थोड़ा डेयर करना। ये देखो भाई इसका स्टॉप देखो, है ना मेरे बच्चों का स्टॉप। हाँ बाकी भाई देखो, छोटा बच्चा है, इनकी कुछ नहीं पता चलता क्या बनता है, वो आज फिर बता देता हूँ मैं कि मदर फादर देखोगे तो ही पता चलेगा बच्चे का निकले। ओ इधर आ जा इधर आ जा। सो बट थोड़ा बहुत ना आइडिया आ ही जाता है। ये देखो स्टॉप आप देख सकते हो इसका, है ना है ना, मुंह चौड़ा आगे से पूरा मजल ऐसे चौड़ा है। अरे तू भी आ जा। हाँ आ जा आ जा आ जा मेरी बेटी, आ जा आ जा आ जा। सो भाई दोस्तों इनके नाम बताओ यार, क्या नाम रखे? और कोई आया है? सो दोस्तों आई गॉट अ बिग सरप्राइज, मम्मी पापा आए हैं और साथ में बुआ जी भी आए हैं, शायद दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो, नमस्ते मम्मी, आज कैसे घूमा आपका मन इस साइड आया? राम राम बुआ। हाँ ठीक हूँ। किसा है बुआ, बढ़िया नहीं है बुआ? ये देखो घास घूस लगवा दी। ये देखो ये देखो, इनका नाम है इना मीना। ये दो है ना, या खुशी है, या खुशी है या इना रो मीना। ये तो 2 महीने की है, 2-2 महीने की या 8 महीने की है ना, या इतनी रहोगी। हाँ, ये 2-2 महीने के ये ऊंचे होंगे, वह उतनी रहोगी, उसकी नस्ल इसी है। आज आपको थोरू के थोर के बच्चे दिखाऊंगा, अभी मैं उनके साथ ही खेल रहा था। किसा हुआ, बढ़िया नहीं बन रही पिंजरे बुआ, बढ़िया नहीं बन गए पिंजरे वगैरह? ये देखो कितना बड़ा 9 फुट का पिंजरा है। हाँ और अभी कूलर अभी बंद कर रहा है, इवन थी बाहर करने का टाइम हो गया, ठंडक है ना पूरी। ये रात ना इसमें ही रहे, दिन में दोपहर में अंदर रहे, शाम ने बाहर रहूंगे और रात ने अंदर रहूंगे। ये हॉस्टल फैसिलिटी है ना, ये बाहर तो ही वो कुत्ते जिसके हैं वे छोड़ सके अड़े, इसके होंगे बच्चे, इसके 10-12 दिन में होंगे इसके बच्चे होंगे। अभी अभी इसको निकालना था बाहर में, ये रहे दो अभी कर लिए मैंने, उठाई थी ये थोर के बच्चे। ये थोर के बच्चे हैं।
दोस्तों आपको एक्वेरियम दिख गया होगा, बट इसका पूरा जो अपडेट है ना वो पेट डोमेस्ट्री वाले चैनल पे आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब्सक्राइब कर लो। कैसा बन गया बुआ? अरे देखो क्या छोटी सी पूंछ ला रहा है। सो दोस्तों कैसा लगा यार, मुझे खुद सरप्राइज मिल गया, बुआ जी और आए पापा मम्मी पापा है, मजा आ गया यार। अब मैं एक बार कोनी को बाहर शिफ्ट कर देता हूँ और इनका फैन चला देता हूँ और उन दोनों शेरों ने पोटी करी हुई है वो उठा देता हूँ। सो थोड़ी बहुत बात करते हैं बुआ जी के साथ और फिर आपको अपडेट देता हूँ। नहीं कैसे भागती है, देखो देखो पूरा तूफान है फुल के। ये मजा है भाई पार्क का। बस ये होता है वो ग्रास जितनी वो होगी ना वो भी एक बार पूरी हो जाए ना फिर ऊपर ग्रास बन जाएगी। देख लो ये करते हैं अभी इसमें घास एक बार पूरी ग्रास हो जाएगी ना फिर कोई इशू नहीं। सुंदर लग रहे हैं ना ग्रास में खेलते हुए, ये देखो ये देखो। पूरी कर ली एक्सरसाइज? अब तूने कर ली एक्सरसाइज? अब चलो अंदर चलो, ठीक है मैं बिट्टू तुम तुमको दही देता हूँ अभी मैं। लो भाई कोनी भी बाहर आ गई है। कोनी जा सुसु करा, जा सुसु करा पहले, आ जा। मिट्टी ना खोद दियो जाती ही। ये ना फीमेल्स की आदत होती है जब वो कंसीव हो जाती है ना, मतलब बच्चे देने वाली होती है तो ये खड्डे खोदने लग जाती है, तो ये भी खड्डे खोदती है। और ये देखो शायद इसकी ना, ओए चले बस खोद ली, आज नहीं खोदना, चल चल मोटू आजा, चल सुसु कर ले, चल सुसु कर ले। ये देखो ये भी इसने कर रखा है, वहां से भी थोड़ा सा खोद दिया था इसने। ये देखो मेरी प्यारी बच्ची है भी, वहां सुसु कर रही है। मैं कभी 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 दोस्तों मैं सोचता हूँ यार हमारी प्राइवेसी होती है तो इनकी भी होनी चाहिए, है ना। हम कहीं खुले में थोड़ी नहाते हैं यार, और ना हम खुले में सुसु पोटी करते, तो इनको ये करते तो हम क्यों दिखाते हैं, और बल्कि दिखाता भी मैं ही हूँ। पॉइंट पे आपका क्या ओपिनियन है ठीक है बताना जरूर। कोनी मैं बैठू, आ जा आ जा। जब ना कोनी के बच्चे होंगे तो सारे एक एक सेकंड का भी व्लॉग डालेंगे, ठीक है अम्मी। पहला एक्सपीरियंस होगा यार, वैसे हमारे जर्मन शेफर्ड्स ने बच्चे दिए हुए हैं बट यार ऐसे तो पहला ही एक्सपीरियंस होगा, है ना अम्मी। मैं तैयार रहियो, ऐसे बताइयो एकदम से आके कि वो बच्चा हो गया, लड़का हो गया, फिर लड़की हो गया ऐसे, ठीक है। सो ये लो दोस्तों, ये सबको दही मिलता है इस टाइम क्योंकि गर्मी है ना, बेचारों को गर्मी लगती है तो ये अंदर ठंडक मिल जाएगी। ये छोटे बच्चों के लिए, थोर के बेबीज के लिए, ये पूरी दोनों अपने रोटवेलर इना मीना के लिए, ये ज़्यादा है सबसे ज़्यादा इसमें है। और ये कोनी का है भाई और ये खुशी का है। सो देते हैं कोनी ना थोड़ा इनमें जैसे थोड़ा थोड़ा ना पानी मिला के थोड़ा पतला कर देते हैं, बट कोनी पतला नहीं पसंद करती, इसको डायरेक्ट पूरी दही मिलती है। मैं घर जा रहा हूँ अभी और फिर शाम को आऊंगा क्योंकि आज रात को मुझे यहाँ रुकना है, बुआ जी और को लेके घर जा रहा हूँ। सो दोस्तों घर पे तो आ गया मैं, घर आते ही मेरा भाई मेरे सामने बैठा है और थोरी तेरे बच्चे हैं, इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं तेरे जैसे ही भाई। और अगर आपने किसी
आप में से किसी को थोर के बच्चे लेने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है पेट डाइवर्सिटी का, या फिर व्लॉग से पहले बैनर आया था ना उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, बुकिंग करवा सकते हो और थोड़े दिनों में हमारे कोनी और थोर के भी बच्चे होंगे। देखना ये बताया ऐसे क्यों शांति से बैठे है, इसको चाहिए ट्रीट और इसको भी ट्रीट चाहिए। ये देखो इसकी ये ट्रीट, चलो मैं उसको दे देता हूँ। थोर इसकी ट्रिक्स दिखाऊं थोड़ी आप लोगों को, स्पीक थोर स्पीक हेलो। हाँ हाँ दे रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ना बहुत ज्यादा मजा आता है जब अपने पपीज अपने जो ये एक फैमिली मेंबर है अपने बच्चों को जब ऐसे ट्रीट या खाना खिलाते हैं ना, जो इनकी खुशी होती है चेहरे पे वो ना पेट पेरेंट्स ही समझ पाएंगे कि कैसा फील होता है। ऐसे ऐसे आंखों से देखते रहते हैं, हेला तो ऐसे देखती है कि मतलब जब मुझे उसको कुछ चाहिए होता है ना, एक तो ये बोलती नहीं है मतलब एक्टिंग करती है ऐसे ऐसे बोलते ना म्याऊं ऐसे कहती ऐसे ऐसे करती है ये, और फिर आंखों से और फिर ऐसे दे दे भाई दे दे खाना दे दे इस हिसाब से। दोस्तों मैं फार्म पे पहुंच चुका हूँ, पापा भी अभी गए हैं। तो दोस्तों अपने बच्चे ये सो रहे हैं और एक्वेरियम की लाइट बंद कर दी इधर की भी कर दी और ये खाना रहा, खाना खाऊंगा और फिर मैं भी सो जाता हूँ। ठीक है ठीक है दोस्तों, तो सुबह मिलते हैं, लोग अभी चल रहे हैं सुबह मिलते हैं। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह इतनी अच्छी एक सुहावनी सी सुबह है और यहाँ का तो नज़ारा ही अलग हो जाता है। मैंने अपने तीनों बच्चे यहाँ निकाल दिए, बाहर खेल रहे हैं वो, और कोनी को लेके जाऊँगा वापस घुमाने के लिए और मैं एक बार सुबह का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। अब मैं इन दोनों इनको घुमाने लेके जाऊंगा, खुशी को तो मैंने इनको घुमा दिया है, ये तीनों यहाँ पे खेल रहे हैं देख सकते हो आप। ठीक है और अब कोनी को घुमाने लेके जाऊंगा, उसके बाद इनको पनीर खिलाऊंगा और आज इन बच्चों की भी वैक्सीनेशन। और आप में से किसी को थोड़े बच्चे लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या फिर वो देखो वो वाला नंबर बैनर पे, आप बेझिझक कॉल कर सकते हो और क्वेरीज कर सकते हो, बुकिंग करा सकते हो। इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट व्लॉग कौन सा बनाए। ओके बाय बाय।